देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और न्यूज इंडिया 24 की तरफ से वैसे उम्मीदवार के पास आज मैं आ पहुंचा हूं जिन्हें ना तो कोई चारपहिया वाहन है, न ही घूमने के लिए कोई दोपहिया वाहन है और न ही उनके साथ सहयोग करने के लिए कोई तामझाम है। आखिर यह उम्मीदवार कौन है, किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में इन्हें कैसे कैसे लोग मिलेंगे जो इनका साथ देंगे। हालांकि चुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एक नहीं दो नहीं तकरीबन सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, वहीं दूसरी ओर नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हुए वे लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन उम्मीदवारों का जिनका कोई अस्तित्व इन लोगों के पास नजर नहीं आता है, उन्हें जनता कैसे अपना भरोसा देकर कहीं ना कहीं ताज पहनाने का काम करेंगे। आइए मैं उनसे जानूंगा कुछ और जान करके लोगों के पास इस बात को रखूंगा कि भाई आखिर ऐसा भी एक उम्मीदवार है जिन्हें तामझाम से कोई मतलब नहीं है, आपकी दुनियादारी से इन्हें सिर्फ मतलब है, यानी आपके दुखों में दुख होंगे और आपके सुख में सुखी होंगे। तो आइए जानते हैं इनसे वह सारी प्रक्रिया जिनके तहत ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या? कितनी उम्र? 68 वर्षों में जो पीढ़ियां बदली, लोगों का जो सोच बदला, लोगों की जो इच्छाएं बदली, काम करने का जो तरीका बदला, उसके मुकाबले आपके काम करने का जो तरीका है, यानी जिस तरीके से आप चुनाव में आ रहे हैं, क्या लगता है कि लोग आपको जीत का सेहरा पहनाएंगे? मैं 2002 से 2007 तक पार्ट चुकी हूँ। आज जो गाड़ियों वाले जो सारा विकास जो रोड नाली है जो सुरेंद्र साहब जी है घाट पर हम सुना कर रहे हैं कि हम बहुत ईमानदारी से काम किए। आज तक मेरे ऊपर कोई तरह का कोई आरोप नहीं है कि किसी से मैं लोगों से बातचीत करके 10 रुपया या 100 रुपये। अच्छा, एक बात बताएंगे, लोगों के पास चार पहिया है, पूरे ताम झाम के साथ लोगों को रिझाने में लगे, आपके पास चार पहिया है क्या? देखिए, मैंने जो सवाल पूछा वो नहीं, दो चक्के वाला ना। तो आपको लोग साथ क्यों नहीं? साथ क्यों नहीं देगा? ईमानदारी का भी जो होना है, मतलब काम झाम जो पैसा पर बहुत लोग वोट नहीं देता, अभी दलाल से जमाना है, बहुत लोग पैसा लेता है वोट नहीं देता। तो खाता पीता तो सही है, लेकिन जो पैसा लेके वोट मांगता है देता है उसको वोट नहीं देता। एक बात बताएंगे, नगर परिषद में करोड़ों की जो योजनाएं आती है, बस लोग उसी को देख करके कहीं ना कहीं अपना पैर वहाँ जमाने के चक्कर में कि चलो भाई योजनाओं में से कुछ ना कुछ तो कमीशन हमें भी मिल जाएगा। जैसे अधिकारी को कमीशन देते हैं, अधिकारी कमीशन अपना काट करके बाकी जो हमें देंगे, मैं भी वहाँ कुछ ना कुछ गटकने की तैयारी में रहूँगा। क्या वही तैयारी आपके भी बन रही है क्या? क्यों नहीं होगा भैया, जब चुनाव में सरकार पैसा नहीं देती है, खर्च करवाती है, इसके बाद तनख्वाह नहीं देती है, आखिर कहाँ कुछ खर्च करेगा? कुछ न कुछ तो मिलता है कमीशन नहीं, जो उसमें मेहनत करता हूँ। यानी आपको कमीशन नहीं चाहिए? नहीं, आप जो मेहनत करेंगे, आपका जो मुआवजा बनेगा आप वही लेंगे। तो आप एक बात हमें ये जरूर बता दें कि जो उसमें अभी आपने बोला कि उनका जो होगा और मैं अपना जो मेहनत आना लूंगा, अगर 100 रुपये की राशि की योजना आएगी तो उसमें आप मेहनत आना कितना लेंगे? जरूर लेंगे, 5 रुपया। 5 रुपया लेंगे तो क्या लगता है तो उन 5 रुपयों में आपका घर परिवार चल जाएगा? और धंधा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अपना धंधा भी करते हैं, खेती गृहस्थी है, घर का बच्चा काम करता है, उसी पर आशीष छोड़ हम लोग। आप 5 काम ऐसा बता दें जिसे जनता सराहनीय मान करके आपको बोले। पहला बात है कि ईमानदारी, दूसरा बात है कि उसके पीछे सदा खड़ा रहना, तीसरा बात है कि उसके पीछे सदा खड़ा रहना, हॉस्पिटल हो, बैंक का क्या कहता है, ब्लॉक हो, थाना हो, कोई तरह का अगर उसको कोई तरह का दर्द है उसमें जो है समाज से भी लोग खड़ा होता है, हम भी उठेंगे। एक बात बताएं, आपके समाज में हर एक समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर कितना वोटर ऐसा है जो आपके समुदाय का है, ऐसा कितना वोटर जो अलग समुदाय का है जो लोग आपको चाहते हैं? हमारा जो समाज वार्ड नंबर 11 उसमें 90% तो जाती है। यहाँ पर यह भी सुनने को आ रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने ही समाज के कुछ लोगों को नौकरियाँ दिलाने का काम किया है, लोग उन्हीं की ओर अग्रसर होकर के आगे बढ़ रहे हैं कि भाई चलो आगे अगर समय आएगा तो और वो कुछ करेगा। ये जातिवाद से समाज नहीं चलता, राजनीतिक जातिवाद से अगर चलता
तो लालू यादव जो है हजाम जो दिया है सीट वो जीत जाता नहीं जीता आज तक, आज से जीता कोई भी कैंडिडेट जाएगा नहीं। अच्छा एक, बात अब एक बात बताएंगे, एक वार्ड मेंबर का कौन कौन सा काम होता है? इसमें रोड, नाली, सफाई, बिजली। क्या ऐसा तो नहीं कि आप ये किताबी भाषा का मोटो बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये जरूर है? हम किताबी नहीं बता रहे, हम ये रोड दिए, नाला दिए, बिजली वाला जो कॉल बोल दिया था उसका उसको हम दुरुस्त करवाया, साफ सफाई अपना हमेशा हम आगे बढ़ते काम करते। यानी ये आपका तजुर्बा बोल रहा है? तजुर्बा तो एक बात ये बता देंगे हमको कि इन सारे कामों को करने के बाद आपका वो पहला मोटो अलग है, जो रोड, नाली, सफाई। रोड तो है, नाली भी है आपका। हाँ, सफाई कहाँ देंगे, कहाँ देंगे? बहुत अभी है जो कि नाली नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, अभी बहुत में वार्ड में आपके वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? 1458। कितना पुरुष कितना महिला? 700 है, 800 महिला। तो क्या लगता है कि 100 का कितना प्रतिशत आपको वोट जाएगा? उसमें हम तो वोट डाल के देखते हैं भैया, वोट जो होगा कल्ला तो बहुत उम्र। अच्छा आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी हैं जिन्हें मात देकर आप आगे क्यों बढ़ेंगे? वो आप ही के कास्ट का ही अपना स्वजातीय, तो स्वजातीय को मात देकर के आप आगे बढ़ने के लिए। अच्छा एक बात बताएंगे, उसमें सबसे मजबूत पड़वा किसका है जिसे आप मात देने के लिए? देखिए अभी किसी को पड़वा पा जाए, सेम हम हमने सामने इतने लगता है कि उसका अनुभव किसी का है जो कि हमने शिक्षक रहा। तो ना आप रुपया खर्च करना चाहते हैं, ना आपके पास चार पहिया है, ना दो पहिया है, सिर्फ आपके तजुर्बे पर आपको क्यों वोट देंगे? क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि लोग पैसे पर मर रहे हैं। जनता से पूछिएगा, हेलो बोलेगा, अगर कोई है जो सुरेंद्र का है जो कि काम किया है और 12 महीना किसी दिन हम फिर। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, अभी इन्होंने जो बात कही कितना प्रतिशत तक हो, तो क्या लगता है कि आप इन्हें वोट देने का काम करें? या फिर हमारा माइक लगा, हाँ भर दिए, हाँ भी भरने के बाद वोटिंग आता दूसरे और होगा, तो क्या लगता है कि इनका जो वोट बैंक होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर आप स्वयं मतलब कि खुद का अपना देकर के अपना निर्माण कर लेंगे? भाई चलो हमने वोट दिया, दादा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, एक बात बताएंगे, अभी मैंने जिनका इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा कि मैं तजुर्बे के बल पर अपना वोट लूँगा। 100% जब लगाई होती है कि अवर रंजवा सुरेंद्र का निकलेंगे, तो आप इनका वोट बैंक बनाएंगे या फिर खुद का अपना वोट देकर के अपना पल्ला झाड़ेंगे? वोट तो बनेगा, हम अपना देंगे तो वोट भी बनेगा, अब बढ़ रहा इनका नाम अभी हुआ है। अच्छा एक बात बताएंगे, सब लोगों के पास लंगर चल रहे हैं, गाड़ियों में मतलब बैठा के इधर उधर लेकर के सब लोग जा रहे हैं, आपके आपने भी कभी लंगर का आनंद लिया क्या चुनाव में? इसलिए अभी मैंने इनका राय जाना, लोगों की राय जानी, लोगों की राय जानने के बाद मैंने जाना कि ये अपना जो वोट होंगे, जो चुनाव इनका होगा, ये लोगों से भीख मांगकर यानी चंदा मांगकर अपना चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं या राहत देंगे, योजनाओं का राहत देंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे और उनका जो मुख्य फोकस, जो मेन मोटो होगा उन पर ये काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ लखी जमुई जिला से।